नमस्ते, वेलकम टू कारोबार। मैं हूँ तन्वी। आज कारोबार में हाजिर हूँ आप सबका डिमांड को फुलफिल करते हुए टू व्हीलर्स के स्टॉक्स लेके पहुँच गई हूँ मैं अभी प्रकाश नगर टू व्हीलर सेल्स एंड परचेस में। देख लेंगे आपका स्टॉक्स और वीडियो को ज़्यादा लेंदी ना करते हुए सीधा हम लोग वीडियो स्टार्ट करेंगे। पर चलते चलते मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो में खो जाने से पहले सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन भी जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए देख लेते आज प्रकाश नगर के स्टॉक्स। सो हाय भैया, कैसे कैसा चल रहा है? बढ़िया चल रहा है। तो लॉकडाउन के बाद मैं भी ठीक हूँ। लॉकडाउन के बाद आज हम लोग बहुत दिन बाद यहाँ पे पहुँच गए हैं और बहुत सारा कस्टमर्स का मतलब बहुत चाहते हैं कि लोग मैं टू व्हीलर्स का वीडियो भी दिखाऊँ, तो मैं आज यहाँ पे पहुँच गई हूँ फिर से। तो आप कितना स्टॉक्स आज दिखाएंगे? आज हम पूरा 70-80 तक स्टॉक दिखाएंगे। 70-80 तक का स्टॉक्स दिखाएंगे, तो यहीं से शुरू कर लेते हैं। यहीं से डिस्प्ले में आज ज्यादा गाड़ी नहीं है क्योंकि लॉकडाउन है। अंदर गोडाउन में तो बहुत सारा गाड़ी है, वो भी हम लोग देख लेंगे। कुछ गाड़ी रखे हैं जी, तो इसी से शुरू करते हैं। ये वाली हीरो का ग्लैमर है, 2010 का मॉडल है जी। इसका प्राइस है 30,000 जी। ये पल्सर 220 है, 2016 का मॉडल है, इसका प्राइस 65,000। नेक्स्ट ये आपका एक्टिवा है, 2014 का लास्ट का मॉडल है, इसका प्राइस 36,000। 36,000 जी जी, 36,000 रुपये पड़ेगा। 36,000 ये मेस्ट्रो है, 2016 का मॉडल है, इसका पड़ेगा 38,000। और नेक्स्ट ये एक्टिवा है, 2017 का लास्ट का मॉडल है, इसका पड़ेगा 46,000 सिर्फ। तो फिर चलिए और भी क्या क्या स्टॉक है वो भी दिखा दीजिए। चलिए फर्स्ट बाइक से ही दिखाते हैं जी। ये बजाज का पल्सर है, 150, 2017 का मॉडल है, इसका प्राइस है आपका 70,000 रुपया। 70,000 जी। नेक्स्ट है बजाज का पल्सर 150, 2016 का मॉडल है, उसका पड़ेगा 62,000 जी। नेक्स्ट बजाज का पल्सर 150 है, वो भी 2016 का ही मॉडल है, उसका 60,000 पड़ेगा। नेक्स्ट आपका अपाची 180, 2016 का मॉडल है, उसका 60,000 पड़ेगा। आज आप जो भी बाइक्स दिखा रहे हैं मैक्सिमम तो यहाँ पे आपका सिलीगुड़ी नंबर बाइक्स है। मैक्सिमम सिलीगुड़ी नंबर है, एक दो इधर उधर का नंबर है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है नाम ट्रांसफर के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा और फाइनेंस भी आपके पास अवेलेबल है। फाइनेंस अवेलेबल है जी। तो नेक्स्ट क्या दिखाएंगे? नेक्स्ट हम ये दिखाएंगे NS 160, 2019 का मॉडल है, इसका प्राइस है 85,000। नेक्स्ट ये आपका FZ वर्जन 3 है, 2019 का मॉडल है, ये इसका प्राइस है आपको 86,000। हाँ अच्छा, फाइनेंस आपके पास मिनिमम कितना तक हो जाता है? फाइनेंस वो 14 का मॉडल का ऊपर का आपका गाड़ी का फाइनेंस होगा और 14 का नीचे का मॉडल का फाइनेंस बैंक फाइनेंस नहीं दे रहा है जी, तो इसलिए हम लोग नहीं कर पा रहे। और कितना दिन में आपका पेपर वर्क हो जाता है? पेपर वर्क 10-15 दिन में हो जाता है। 10-15 दिन जैसे कि अभी लॉकडाउन चल रहा है तो थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है। लॉकडाउन नहीं रहता, नॉर्मली 7-10 दिन के अंदर ही हो जाता है। नेक्स्ट क्या दिखाएंगे आप? नेक्स्ट सुजुकी का जिक्सर 150cc, 2016 का मॉडल है, इसका प्राइस है 58,000। नेक्स्ट है अपाची 200 DS4 जी, रेड कलर का। इसका माइलेज कैसा हो जाएगा? माइलेज आपका हो जाएगा इसका 35-40 तक माइलेज दे देता है। प्राइस होगा आपका 82,000। यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ बहुत ही अच्छी गाड़ी है ये Avenger 220 क्रूज है, 2017 मॉडल है, 65,000। नेक्स्ट आपका कौन सा है? नेक्स्ट है R15 वर्जन 2, 2018 का मॉडल है जी, इसका पड़ेगा 85,000। 85,000 R15 का भी इसी मॉडल का न्यू का प्राइस कितना हो जाता है? इसका न्यू का प्राइस आप 1.5 लाख रुपए था। 1.5 लाख रुपए तो आप इसको दे रहे कितना में? 85,000 में। नेक्स्ट वहाँ पे पल्सर देख पा रही हूँ। नेक्स्ट पल्सर 180 है, 2016 का मॉडल है, उसका पड़ेगा 60,000। नेक्स्ट है अपाची 200, 2018 मॉडल, रेस एडिशन, उसका पड़ेगा 85,000। अच्छा, आप जो भी प्राइस यहाँ पे बता रहे हैं थोड़ा बहुत नेगोशिएबल तो है? हाँ, नेगोशिएबल हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं जी जी। यहाँ पे फिर से एक RS 200 देख पा रही हूँ मैं, निगेशिबल कर ही देता है आपका व्यूअर्स को, तो निगेशिबल करना ही पड़ेगा, कारोबार के चुराने से जरूर निगोशिएट करना ही पड़ेगा, तो इसका आप बता दीजिए। नेक्स्ट है ये RS 200, ये 5 महीने का गाड़ी है,
सिर्फ 5 महीने इसीलिए इतना न्यू कंडीशन में है। मुझे बहुत अच्छा लगा ये बाइक। जैसे किलोमीटर चला हुआ है 2000 किलोमीटर सिर्फ 2000 किलोमीटर चला हुआ है। इसका प्राइस कितना रखा आपने? इसका प्राइस 160। इसका न्यू का कितना हो जाता है? न्यू 2 लाख के आसपास है। 2 लाख के आसपास है। और आपने रखा इसका 160। 1,60,000 जो कि निगोशिएबल है। और सिर्फ 5 महीने का। इसमें तो फाइनेंस भी हो जाएगा। इसमें फाइनेंस हो जाएगा, आपका निगोशिएबल भी हो जाएगा। जी जी, हम लोग का आस्किंग प्राइस है निगोशिएबल पे। नेक्स्ट R15 वर्जन 3 है, 2018 मॉडल है। R15 का सेल बहुत अच्छा है ना? R15 बहुत जल्दी सेल होता है। तो इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस है 1,25,000 रुपये। 1,25,000। और वहाँ पे फिर से एक पल्सर 220 है। नेक्स्ट है पल्सर 220, 2018 का मॉडल है। इसका प्राइस है 86,000। 86,000 न्यू प्राइस इसका 1.5 लाख के आसपास। 1.5 लाख के आसपास है। अभी सेकेंड हैंड लेना ही मेरे हिसाब से बुद्धिमानी का काम है। इसमें फाइनेंस भी करवा सकते हैं। इसे ड्यूक। नेक्स्ट आपका रॉयल इनफील्ड थंडरबर्ड एक्स 2019 का मॉडल है। इसका प्राइस है 1,55,000 रुपये। 1,55,000। इसका न्यू का प्राइस कितना है? इसका न्यू का प्राइस आपका 2 लाख के आसपास पड़ेगा। 2 लाख से ऊपर ही है। एलओएल भी दिया हुआ है, डबल डिस्क एबीएस। नेक्स्ट यहाँ पे एक ड्यूक देख पा रहे हैं। कुछ ड्यूक का कलेक्शन है। तो फर्स्ट हम दिखाएंगे ये ड्यूक। ये 2017 का मॉडल है, ड्यूक 200। इसका किलोमीटर चला हुआ है 23,000 किलोमीटर चला हुआ है इसका। जी, इसका प्राइस है 1,15,000 रुपये। 1,15,000। इसमें निगोशिएबल भी है। जी। और ये नेक्स्ट है ड्यूक 250, 2017 मॉडल गाड़ी है। अच्छा, ये कहाँ का नंबर है? ये आपका इस्लामपुर नंबर है। इस्लामपुर नंबर इस्लामपुर आरटीओ। अच्छा, अगर दूसरा जगह का होने से पेपर वर्क में थोड़ा क्या कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा? कुछ भी प्रॉब्लम सेम टाइम में हो जाएगा। जी जी, सिलीगुड़ी आरटीओ से कर देंगे। जी, नेक्स्ट ये और नेक्स्ट ये ड्यूक 250 है। ये आपका इसका आस्किंग प्राइस है 160,000। जी जी। नेक्स्ट है फिर ये ड्यूक 200 है, 2018 का मॉडल है। 18 का। इसका किलोमीटर बहुत ही कम चला हुआ है, 10,000-12,000 किलोमीटर चला हुआ है। जी, इसका प्राइस है 1,40,000 रुपये। 1,40,000। मैं फिर से एक साथ तीनों ही बाइक दिखाना चाहूँगी। आप सिर्फ प्राइस बता दीजिए, इसका कौन सी साल के 18 का है और प्राइस कितना बताया? 1,40,000। ये 1,60,000 रुपये। 1,60,000। और ये 1,15,000 रुपये। जी, तो बहुत ही अच्छी कलेक्शन मुझे यहाँ पे देखने को मिला। और भी यहाँ पे कलेक्शन है तो वो भी दिखा दीजिए। फिर से ये R15 वर्जन 3 है, 2019 का मॉडल है। इसका पड़ेगा 1,30,000 रुपये। 1,30,000। जी। और फिर ये KTM का ड्यूक है 125cc। आपके पास बहुत सारा ड्यूक और R15 है। मैं देख रही हूं इस बार R15 और ड्यूक का स्टॉक ज्यादा है। R15 और ड्यूक के लिए मेरे पास हजारों कॉल आते हैं मौसम भी। बहुत ही डिमांडेबल गाड़ी है ये सब, और बहुत डिमांड आता है हम लोग को, इसलिए थोड़ा स्टॉक ज्यादा रखना पड़ता है। स्टॉक ज्यादा है इसीलिए। ये थोड़ा मॉडिफाई किया हुआ है, मैं देख पा रही हूं। वो ड्यूक 390 है, वो 2013 का मॉडल है। इसका 80,000 में छोड़ रहे हैं हम लोग। अच्छा, यहां पे जितना भी बाइक सब दिखा रहे हैं, ज्यादा बड़ा कोई एक्सीडेंटल केस तो कुछ रखते नहीं है? एक्सीडेंट वाला गाड़ी लेते नहीं है। लेते नहीं, मैं फिर भी वीडियो में मेंशन कर रही हूँ क्योंकि मेरे व्यूअर्स तो फॉलो करता है वीडियो और पूछेगा मुझे बाद में, इसीलिए मैं पहले ही बोल रही हूँ कि यहाँ पे एक्सीडेंटल मेजर एक्सीडेंटल गाड़ी कुछ गाड़ी नहीं लेते। और सेकंड हैंड गाड़ी है, थोड़ा छोटा मोटा स्क्रैच तो होता ही है, वो मैनेज हो जाएगा, उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो नेक्स्ट क्या दिखाएंगे? नेक्स्ट है पल्सर 125। ये 6 महीने की गाड़ी है, सिर्फ 6 महीने का पुराना गाड़ी है। एकदम रोड के ऊपर है शोरूम, तो थोड़ा डस्टी है। और बिफोर डिलीवरी वॉश करना पड़ेगा, पॉलिश वॉशिंग और आपको एक सर्विसिंग फ्री मिल जाएगा, दिया जाएगा। तो और इसमें इसका आपने प्राइस कितना रखा? इसका प्राइस 80,000। 80,000 में मिल रहा है। न्यू मॉडल एबीएस सब कुछ इसमें। और क्या बोल रहा है, एकदम ही चला हुआ नहीं है गाड़ी, 3,000-4,000 चला हुआ है। 6 महीना जल्द से जल्द 6 महीना होगा। जी, बहुत ही अच्छी गाड़ी है ये भी। तो और भी स्टॉक्स आपके पास है, आप वो भी मुझे दिखा दीजिए। चलिए स्टार्ट। तो ये हम लोग दूसरा गोडाउन में अभी पहुंच गए हैं क्योंकि एक ही जगह सारा गाड़ी तो रखना पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पे और भी ज्यादा स्टॉक से भैया दिखा देंगे। हर तरफ से बाइक ही बाइक नजर आ रहा है मुझे, तो इसी से शुरू कर देते हैं। ये जिक्सर है, 2016 का मॉडल है। जी, इसका प्राइस है 50,000। और नेक्स्ट ये अपाची 180 है, 2017 का मॉडल है। इसका 65,000 है। 65,000 है।
इसमें निगोशिएबल भी हो जाएगा। निगोशिएबल भी है। और नेक्स्ट है पल्सर 150 2016 का मॉडल है, इसका प्राइस 52,000। उसका डिमांड बहुत ज्यादा है, कम नंबर गाड़ी होता है, फटाफट से जल्दी से जल्दी निकालना है। तो कस्टमर बाद में फिर फोन कर पाए की भैया हमने वीडियो में बोला है कि आपको वेस्ट हो जाएगा पैसा, फ्रेंड्स के लिए सही है 20-25 से गाड़ी नॉर्मल गाड़ी ठीक है। नेक्स्ट है अपाची 200 2018 का मॉडल है, उसका पड़ेगा 18,000। नेक्स्ट पल्सर 150 है, ब्लैक कलर की गाड़ी है, 2016 का मॉडल है, उसका पड़ेगा 55,000। इतना सारा बाइक्स यहाँ पे, मतलब इतना सारा टू व्हीलर यहाँ पे है, आपको तो याद भी रखना होता होगा ना सारा। इसमें ज्यादा मैं डिटेल्स पूछ नहीं रही हूँ, जब भी आप लेना चाहते आप एक बार कस्टमर को, आपका व्यूअर्स को बताना चाहूंगा कि कस्टमर फोन करके ही पूरा सारा डिटेल जानना चाहता है, प्राइस जानना चाहता है, समझ लीजिए। अगर आप आएंगे बैठ के बात करेंगे, अच्छा से गाड़ी भी दिखा देंगे और प्राइस भी आपको थोड़ा निगोशिएट कर देंगे। प्राइस में अगर फोन पे प्राइस निगोशिएट करेंगे तो इसमें क्या होता है कि आपको भी सही नहीं लगेगा क्या है नहीं है गाड़ी। हाँ। अगर सामने से आएंगे देखेंगे गाड़ी, पहले आप विजिट कीजिए, लोकेशन में आपको फिर से मेंशन करेंगे, प्रकाश नगर में है नियर चंपा सारी, प्रकाश नगर टू व्हीलर सेल्स एंड परचेस में, स्क्रीन पे भी सॉरी टू व्हीलर परचेस एंड सेल्स, तो यहाँ पे मैं स्क्रीन में भी नंबर दे रही हूँ और डिस्क्रिप्शन में भी मैं नंबर दे रही हूँ यहाँ का। तो प्लीज पहले आप कॉन्टेक्ट कीजिए, टाइमिंग पूछ लीजिए, आप आइए विजिट कीजिए, गाड़ी देखिए, उसके बाद बातचीत कीजिए, क्योंकि फोन में बातचीत करेंगे तो मिसकम्युनिकेशन हो सकता है, तो पहले प्लीज विजिट कीजिए। और मैं बोला था वो संडे को क्लोज रहता है, संडे को छोड़ के आप कोई भी दिन आइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक बार आसपास का जितना भी कस्टमर है, सिलीगुड़ी का, दार्जिलिंग का, कर्शन का, सबका आपका रिफाइनेंस हो रहा है, रिफाइनेंस कर देगा। ज्यादा नाम का जो गाड़ी है 13 का ऊपर का जो मॉडल है उसमें रिफाइनेंस भी कर देगा। नेक्स्ट कौन सी गाड़ी आपके पास? नेक्स्ट है जिक्सर 150 सर, 17 का लास्ट का मॉडल है, इसका पड़ेगा 65,000। नेक्स्ट है अपाची 180 2017 का मॉडल है, इसका पड़ेगा 68,000। फर्स्ट ये डिस्कवर 150 12 का मॉडल है, 12 का लास्ट का मॉडल है, इसका प्राइस 30,000 में तो आप स्कूटी बोल रहे थे, बाइक भी मिल रहा है। नेक्स्ट ये होंडा शाइन है 2016 का लास्ट का मॉडल है, इसका प्राइस 45,000। अच्छा ये वाली बाइक हिल्स के लिए कैसा रहता है? हिल्स के लिए बढ़िया है, मगर हिल्स पे नहीं जाता, यहाँ पर हिल्स के लिए पल्सर कस्टमर को पसंद भी नहीं आता, इसे बाइक प्लेन्स के लिए सही है। ये पल्सर 135 है 2011 का मॉडल है, इसका 28,000 भी छोड़ रहे हैं, और थोड़ा निगोशिएट भी हो जाएगा, 28,000 और कम दाम की गाड़ी में ज़्यादा निगोशिएट भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये ऐसे ही बजट कम होता है, तो थोड़ा बहुत निगोशिएट कस्टमर मांगते हैं तो कर देते हैं, ज़्यादा नहीं कर पाते हैं, थोड़ा बहुत कर देते हैं। नेक्स्ट होंडा शाइन है 2018 का लास्ट का मॉडल है, होंडा सिविक है 125 पेपर सर आपको देते हैं, इसका पड़ेगा 55,000। अच्छा आप जो भी प्राइस बोल रहे हैं एक्सक्लूडिंग पेपर्स बोल रहे हैं या पेपर का आपका अलग होता है? पेपर का ट्रांसफर अलग होता है, ट्रांसफर का जो पैसा लगेगा वो अलग देना पड़ेगा, और कस्टमर के प्रोफाइल देख के भी होता है, तो इसीलिए एक्सक्लूडिंग पेपर वर्क से बताया जाता है। एक्चुअली मेरे पास जो भी गाड़ी लेने आता है सिर्फ लोकल नहीं होता है, बाहर का भी होता है, अदर स्टेट का भी होता है, सिक्किम का भी होता है, अदर स्टेट का भी होता है, तो अलग अलग आईडी प्रूफ का लोकेशन देख के चार्ज अलग लगता है, इसलिए हम लोग उसको प्रोवाइड नहीं करते हैं, ट्रांसफर का अलग लेते हैं। गाड़ी का जो पेपर्स होता है, इंश्योरेंस पॉल्यूशन टैक्स हो गया,
टैक्स कलेक्टर में होता है टू व्हीलर का, जो सब पेपर हो गया वो सब सारा आपको देख लिया, कोई भी टेंशन नहीं है आपको। ये होंडा का, सॉरी होंडा का नहीं, टीवीएस का एक्सेल 100 2018 का मॉडल है। ये एक्चुअली ये होता है आपको जो काम वाला आदमी है एकदम रेगुलर यूज करता है गाड़ी वो सब के लिए ठीक है। माइलेज होगा 80, प्राइस पूछा है उसका, प्राइस है 32 2018 मॉडल एकदम। ये होंडा लिवो है, ये 2015 का मॉडल है, इसका प्राइस है 36,000। ये पल्सर 150 है 2011 का मॉडल। मैं फिर से इसमें एक चीज़ बोलना चाहूँगी व्यूअर्स को कि यहाँ पे थोड़ा बहुत डस्टी दिख रहा है, आपको वॉशिंग पॉलिश सब कुछ करके ही दिया जाएगा, क्योंकि बार बार अभी इस वेदर में करके रख के भी कुछ फायदा नहीं है, आज वॉशिंग करने से कल फिर से वो डस्टी हो जाता है। तो जब भी आप आइए, पसंद कीजिए गाड़ी, आपको वॉशिंग पॉलिश जरूर करके दिया जाएगा। नेक्स्ट आप कौन सी बाइक है? नेक्स्ट ये हीरो का पैशन प्रो है, 2011 का लास्ट का मॉडल है, इसका प्राइस 30,000। तो आपके पास तो 30,000 के आसपास है, बहुत सारा स्टॉक है। महिंद्रा संचिरो है 2015 का लास्ट का मॉडल है। और यहाँ पे तो बहुत सारा स्कूटी में अभी देख पा रही हूँ, तो स्कूटी का स्टॉक्स भी आप दिखा दीजिए। अभी बाइक का इसको स्टॉक तो आप देख ही लिए, अभी सर स्कूटी का भी स्टॉक देख लीजिए जी। तो फर्स्ट शुरू करते हैं डुएट से, हीरो का डुएट है, ये 2018 का मॉडल है, 2018 का मॉडल है। प्राइस कितना है इसका? इसका प्राइस है 46,000। नेक्स्ट ये होंडा का डियो है, 2017 का मॉडल है। डियो का बहुत डिमांड रहता है ना आपके पास? ये हिल्स के लिए बहुत अच्छा गाड़ी है, हिल्स के लिए, प्लेन्स के लिए, कहीं भी चला सकते हैं जी। इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस है 40,000। नेक्स्ट है यामाहा का फैशन है, 2017 का मॉडल है, इसका भी प्राइस है 40,000। मेस्ट्रो है, 2017 का मॉडल है, मेस्ट्रो एज जी, इसका पड़ेगा 38,000। फिर से एक मेस्ट्रो, ये मेस्ट्रो एज है 2019 लास्ट का मॉडल है, इसका प्राइस है आपका 48,000। ये जुपिटर 2018 का मॉडल है, ब्लू कलर का गाड़ी है, इसका पड़ेगा 48,000। नेक्स्ट है एक्टिवा 5G, 2018 मिडिल का गाड़ी है, डिजिटल मीटर। प्राइस कितना है इसका? इसका प्राइस है 52। मैं भी वही सोच रही थी, एक्टिवा 5G का डिमांड ज़्यादा है, डिमांड है। इसका न्यू का प्राइस कितना होगा अभी? 88, 92 ऐसे कुछ होगा, 90 के आसपास पकड़ के रखिए। गाड़ी अभी थोड़ा गंदा दिख रहा है, मगर आप गाड़ी लीजिएगा, पूरा वॉश एंड पॉलिश हो जाएगा और एक सर्विसिंग भी फ्री मिलेगा आपको, सर्विसिंग फ्री मिलेगा। फिर की दिखाएंगे आप, उससे शुरू करते हैं। नेक्स्ट है ये आपका यामा फैशिनो 2018 का मॉडल है, गार्ड वार्ड सब लगा हुआ है, पेपर सारा अप टू डेट है, 45,000। कौन सा साल का बताया आपने? 2018 का मॉडल है, 18 का जी। ये आपका मेस्ट्रो एच 2018 का मॉडल है, इसका प्राइस है आपका 43,000। नेक्स्ट है जुपिटर क्लासिक 2017 का मॉडल है, इसका पड़ेगा 45,000। एक्टिवा 3G 2016 का मॉडल है जी, 40,000 रुपये पड़ेगा। 40,000। नेक्स्ट है एक्टिवा 4G 2018 का मॉडल है, 48,000। कोई भी स्क्रैचेस, मतलब स्क्रैचेस बहुत कम मिलता है यहाँ पे, गाड़ी एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन। पिछले वीडियो में भी कुछ कुछ गाड़ी में, तो कुछ कुछ गाड़ी में गाड़ी लेके आते हैं, कुछ कुछ गाड़ी में हो जाता है स्क्रैच, हो जाता है तो गाड़ी तो सेकंड हैंड गाड़ी में थोड़ा बहुत स्क्रैच हो ही जाता है, और हम लोग पूरा मेंटेन करके ही देते हैं गाड़ी। ये नेक्स्ट है होंडा का ड्यू है, 2018 का मॉडल है, इसका पड़ेगा 47,000। नेक्स्ट है मेस्ट्रो 2018 मॉडल है, इसका पड़ेगा 45,000। नेक्स्ट है आपका हीरो का प्लेजर है, 2016 का मॉडल है, 38,000। स्पेशली फॉर लेडीज, स्पेशली फॉर लेडीज, क्योंकि लोग सोचते हैं कि प्लेजर मतलब ही लड़कियों की गाड़ी है, ऐसा नहीं है, लड़का लोग भी चला सकते हैं। और कितना प्राइस बताया आपने इसका? 38,000 जी। और वो वाली नेक्स्ट एंटोक है, ये टीवीएस एंटोक की बहुत डिमांड गाड़ी है, ये हिल पे बहुत ज्यादा डिमांड आता है, बहुत डिमांड आता है ये एंटोक के लिए,
2019 का मॉडल का गाड़ी है, इसका पड़ेगा 68,000। जी। अच्छा, इसका आप किलोमीटर अगर बता सकते तो। किलोमीटर एंटोक का आपका किलोमीटर है 15,000 किलोमीटर, 10 से 15,000 किलोमीटर का अंदर ही है। जी जी, एंटोक का डिमांड ज्यादा है तो लोगों का क्वेरीज ज्यादा आएगा, इसलिए मैं पहले ही पूछ लेती हूँ सोचा। फिर भी इतना ज्यादा तो याद रखना पॉसिबल नहीं, इतना सारा यहाँ पे स्टॉक्स है। प्राइस बता पाते हैं और मॉडल तो याद रखना, बाकी तो आके विजिट करने से जरूर दिखा देंगे। किलोमीटर क्या है, कंडीशन क्या है, आप आइए विजिट कीजिए, देखिए, तभी आपको अच्छे से पता चलेगा यहाँ का कंडीशन क्या है। जरूर। और नेक्स्ट है एक्टिवा 3G 2016 का मॉडल है, इसका 40,000 रुपये पड़ेगा। 40,000। नेक्स्ट है ये अपाची 160 BS4 2019 का लास्ट का मॉडल है, ये सोल्ड आउट है, ये गाड़ी सोल्ड हो गया। ये सोल्ड हो गया। जी जी। नेक्स्ट ये हीरो का प्लेजर है, 2013 का मॉडल है, इसका पड़ेगा 27। कौन सी साल की है वो? 2013 का लास्ट। 13 का। नेक्स्ट TVS का एंटोक है, 2018 का मॉडल है, 65,000। प्राइस मेरे हिसाब से यहाँ पे आपने रीजनेबली रखा। जो भी प्राइस है, अगर आएगा कस्टमर आएगा तो निगोशिएबल भी हो जाएगा। जी जी जरूर। नेक्स्ट क्या दिखाएंगे? और ये TVS का जुपिटर है, 2016 का मॉडल है, इसका 38,000, इसमें भी निगोशिएबल हो जाएगा। जी, थोड़ा कम रेंज की गाड़ी में थोड़ा कम ही निगोशिएबल होता है, मगर फिर भी कर देते हैं। फिर भी कर देते हैं, अगर कस्टमर आया पसंद आया तो क्यों घुमाए उसको। ये हीरो का मेस्ट्रो है, 2017 का लास्ट का मॉडल है, इसका पड़ेगा 43,000। 43,000। ये 2016 का मॉडल है एक्टिवा, एक्टिवा 3G ब्लू कलर की गाड़ी है, 40,000 रुपये पड़ेगा इसका। 40,000। और फिर से एक प्लेजर। ये प्लेजर है, 2012 का मॉडल है, इसका पड़ेगा 22,000। और इवन ये हीरो डुएट है, 2017 का मॉडल है, इसका 40,000 पड़ेगा। 40,000। नेक्स्ट ये TVS का एंटोक है, 2018 का मॉडल है, इसका प्राइस है 65,000। एक्टिवा है, 2017 का लास्ट का मॉडल है, इसका प्राइस पड़ेगा आपको 48,000। गाड़ी का कंडीशन बहुत बढ़िया है। और ये वेस्पा है, 2019 का मॉडल है, इसका प्राइस 80,000। इसमें भी आप थोड़ा नेगोशिएट कर देंगे। ये अप्रिला है, 2020 का मॉडल है, 125 cc, बिल्कुल न्यू है। हाँ, एकदम न्यू है, इसका पड़ेगा 80,000, निगोशिएबल हो जाएगा। ये फैशनो है, 2016 का लास्ट का मॉडल है, इसका 40,000 पड़ेगा। 40,000। ये होंडा का ग्रेजिया है, 2018 का मॉडल है, ग्रेजिया का भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। इसका प्राइस होगा 60,000। कितना बताया आपने इसका प्राइस? 78,000। 78,000। इसका अभी न्यू का प्राइस कितना है? न्यू का प्राइस 2.5 लाख रुपए जैसा पड़ जाएगा। 2.5 लाख जैसा इसका अवेलेबल करके आपको अलग से पड़ जाएगा, 2,40,000 तक पड़ जाएगा। जी, तो आपने इसको कितना रखा? 78,000। 2010 का मॉडल है, गाड़ी बढ़िया है। और नेक्स्ट ये क्लासिक है, 2015 का मॉडल है, क्लासिक 350। क्लासिक 350। इसका प्राइस आपने कितना? 1,05,000। 1,05,000। तो यहाँ का स्टॉक्स मुझे तो बहुत पसंद आया, और मैं आशा करती हूँ कि आप सबको भी बहुत पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म ज़रूर कीजिएगा, और आप सबका डिमांड को फुलफिल करते हुए मैं इतना तकलीफ करके ये शूट कर रही हूँ, तो उसके लिए भी मुझे थोड़ा सा सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा। बहुत सारे लाइक और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।